हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास फोर की रिमझिम। तो इसमें हमने अभी तक किया था पापा जब बच्चे थे, ये पार्ट हमने पढ़ा था पापा जब बच्चे थे। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो पापा थे वो क्या क्या बनना चाहते थे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो इसके कुछ हैं क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें है सबसे पहले तुम्हारी बात, ये है तुम्हारी बात से। इसमें है पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? इसमें देखो पापा ने बहुत सारे काम सोचे थे, तो आपको उसमें सबसे अच्छा कौन, अगर मुझे तो जो लगा मैंने आपको आंसर दिया है, आपको उनमें से जो दूसरा काम अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है क का आंसर, मुझे वायुयान चलाना सबसे दिलचस्प काम लगता है। तो वायुयान चलाते हुए मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ या सकती हूँ, और ऊपर से धरती, पर्वत, पेड़ पौधे, समुद्र, नदियाँ, झरनों का नज़ारा भी देख सकूँगा। तो आपको इसमें जो काम, जैसे चौकीदार का था, आप आइसक्रीम वाला, आपको जो काम अच्छा लगता है आप उसको लिख सकते हैं। ख है इसमें, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है, क्या कहता है? ख है, हाँ मुझे घर में भी बताया जाता है कि बड़े होकर मुझे क्या बनना है। आपके मम्मी पापा कहते हैं, कोई कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है टीचर बनना है। तो आपको जो जो कहते होंगे वो आपको इसमें लिखने हैं। और अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगे तो आप इससे भी लिख सकते हैं। ग है इसमें, अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करना करने की सोचते थे। जैसे आप अभी सोचते होंगे कि मैं बड़े होकर ऐसे बनूंगा, वैसे बनूंगा, ऐसे आप अपने मम्मी पापा से पूछ के लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें आंसर लिखा है, मेरे मम्मी पापा जब बच्चे थे तब उन्हें क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक़ था, अतः वे बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे। पापा स्कूल में जब बच्चे टीचर का कहना मानते थे तब पापा ने टीचर बनने की सोची, और मम्मी बड़ी होकर अध्यापिका ही बनना चाहती थी। इसमें घ है बच्चों, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। मैंने ये करके लिखी है, आप भी अगर और लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो इसमें है शुरू शुरू, हाँ इसमें है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, और उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तीन पॉइंट दिए इसमें, तो तीन पॉइंट का हमको आंसर लिखना है, ठीक है? ये घ का है। तो मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। उस सेकंड पॉइंट है, उस काम के लिए उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग आना, कंप्यूटर चलाना और तरह तरह के पत्र लिखना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, जब वे किसी कार्य को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है, कभी कभी फाइलें ढूंढने में भी परेशानी होती है। अब इसमें चलते हैं कहानी से आगे। कहानी से आगे, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, पाठ में पढ़ा होगा आपने। शुरू शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे। तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से काम को रात में किया जाता है या उसके लिए जागना पड़ता है? तो देखो, आपने देखा होगा कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर, रेलवे स्टेशन पे कर्मचारी, वाहन चालक, कंडक्टर, पुलिस, कभी कभी आप रात को कहीं से आना पड़ता है तो बसों में आते हैं आप, तो कौन चलाता है गाड़ी? ड्राइवर चलाते हैं उनको, तो ड्राइवर को भी रात में जागना पड़ता है, पुलिस को भी जागना पड़ता है रात को, और फौजी भी बॉर्डर में रात रात भर जागे रहते हैं। तो
तो ये काम क्या होते हैं, रात में होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये वाला, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। पापा क्या करना चाहते थे, कई तरह का काम। तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। मैंने तो देखा है, मैंने, इसलिए यहाँ पे आंसर आपको भी अगर दिखे तो आप भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करने आता है, वह सुबह अखबार व दूध बांटता है, दिन में पेंट करने का काम करता है तथा शाम को 5 बजे के बाद दुकान में भी काम करता है। इसमें देखिए बच्चों, जितने मैंने क्वेश्चन आपको भी समझाए हैं, ये मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए, ये आपको होमवर्क में करने हैं और बाकी के क्वेश्चन मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। सो थैंक यू।